हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन टू बॉलीवुड। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा जी के बारे में। जी गाइस, अगर आप लोग बॉलीवुड में आना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो और ऑडिशन देना चाहते हो और जेन्युइन ऑडिशन देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, मुकेश छाबरा जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने दंगल फिल्म में, पीके फिल्म में, बजरंगी भाईजान फिल्म में भी कास्टिंग की, ऐसी कई सारी बड़ी फिल्मों में उन्होंने कास्टिंग की है और काफ़ी फ्रेशर चेहरों को उन्होंने चांस भी दिया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनसे मिला कैसे जाए और इनसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, तो डरिए मत, मैं आपको सब डिटेल देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आप कैसे इनसे मिल सकते हैं, कैसे इनके पास अपना वीडियो भेज सकते हैं और कैसे इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको एक अपना एक इंट्रो रेडी करना है और इंट्रो रेडी करने के बाद ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एड्रेस, वहाँ पे जाना है। मंडे टू फ्राइडे इनके यहाँ इंट्रो रिकॉर्ड होता है, जिसका टाइमिंग है 11 to 2 PM। तो इस टाइम पे आप जाके वहाँ पे अपना एक 30 सेकंड का इंट्रो रिकॉर्ड करा सकते हैं। उसके बाद अगर इनकी टीम उस इंट्रो को रखती है अपने पास, अगर आपके लुक के अकॉर्डिंग इनके पास कोई भी काम आता है तो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे और आपको चांस मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर हैं और आप बॉलीवुड में कुछ करना चाहते हैं तो गाइस, सबसे पहले आप मुकेश छाबरा जी के यहाँ एक इंट्रो अपना जरूर रिकॉर्ड कराएं, उसके बाद आप आगे शुरुआत करें, क्योंकि बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने कास्टिंग की है। और जो लोग बाहर रहते हैं, जो मुंबई नहीं आ सकते हैं, जो बाहर हैं, तो उनके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक उनकी मेल आई डी दे रहा हूँ, आप उस पर अपने घर से ही एक 30 सेकंड का इंट्रो रिकॉर्ड उनको भेज सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो इंट्रो देखेंगे और आपके अकॉर्डिंग जो भी काम आएगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे। तो गाइस, अगर आप बॉलीवुड में कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे जरूर आप जाओ और अपना मेल आईडी पे भी अपना एक इंट्रो सेंड करके रखो और इनके कांटेक्ट में रहो। तो गाइस, मुकेश छाबरा एक बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिनके साथ आप जुड़ के बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमा सकते हो और काम कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आप वहाँ पे जरूर जाओ, अपना एक इंट्रो जरूर रिकॉर्ड कराओ। आपको पक्का कुछ ना कुछ, अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी काम उनके पास आएगा वो आपको कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही करूँगा, जेन्युइन जगह जाओ ना। और एक बात और याद रखिए, आपको वहाँ पे कोई फीस पे नहीं करनी होती है, वहाँ पे इंट्रो फ्री में रिकॉर्ड होता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट आएगी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। तो गाइज, आपको मंडे टू फ्राइडे जाना है 11 to 2 PM, ये इंट्रो रिकॉर्डिंग का टाइम है। इस टाइम पे आप जाके वहाँ पे इंट्रो रिकॉर्ड करा सकते हो। तो गाइज, लेट मत कीजिए, अगर आप मुंबई में आए हैं या फिर मुंबई के बाहर हैं, तो अगर मुंबई में आए हैं तो आप जाके वहाँ पे इंट्रो रिकॉर्ड कराइए। अगर मुंबई के बाहर भी हैं आप, तो आप उनको मेल आईडी पे अपना एक इंट्रो भेज सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो, जिससे आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपके अकॉर्डिंग जो भी रोल आएगा वो आपको बताएंगे। तो गाइज, आपको डिस्प्ले पे एक आईडी दिख रही होगी, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आपको फॉलो करके रखना है। इस पर आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे कि उनके यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट चल रही है। कभी उनको बॉयज चाहिए, कभी उनको गर्ल्स चाहिए, कभी उन्हें साउथ इंडियन चाहिए होते हैं, कभी उनको नॉर्थ इंडियन चाहिए, कभी उनको कश्मीर के लोग चाहिए होते हैं, कभी पंजाब के लोग चाहिए होते हैं, तो कभी किड्स चाहिए, कभी कुछ चाहिए होता है। तो सारी अपडेट आपको इस पर रोज़ मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप इसके अकॉर्डिंग है तो आप तुरंत उनको फिर से प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं, अपना इंट्रो सेंड कर सकते हैं। अगर आप उस लुक में मैच करेंगे तो ये आपको तुरंत कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, जिसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको काम मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा बालाजी और यशराज में ऑडिशन कैसे देते हैं उसके ऊपर होगा, उनसे कैसे कांटेक्ट करें। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।